ओके गुड मॉर्निंग क्लास। लेक्चर नंबर टू गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज 12A। वेरी सिंपल एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर वन में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओके जिसमें हमको फाइंड आउट करना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन एक्स स्क्वायर 6x 1/7 एक्स क्यूब ऑल द टर्म्स ओके कहीं पे भी हमारे पास नेगेटिव पावर नहीं बन रही तो पॉलिनोमियल होगा। सेकेंड क्वेश्चन 1/p फॉर्म बन रही है नेगेटिव पावर आएगी क्योंकि p टू द पावर -1 होगा ओके सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। जेड क्यूब जेड स्क्वायर कहीं पे भी कोई नेगेटिव नहीं है। अंडर रूट 7 ये कोफिशियंट है ओके न्यूमेरिकल कोफिशियंट है। हमने लिटरल कोफिशियंट की बात करी। लिटरल कोफिशियंट मतलब ये जो भी हमारे पास वेरिएबल्स है लिटरल कोफिशियंट की पावर कभी भी नेगेटिव नहीं हो चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके आई विल डिस्कस दिस लेटर नो व्हेन वी विल टेक द डिविजिबल बाय ओके दिस इज अ क्वाड्रेटिक फॉर्म एंड दिस इज लीनियर फॉर्म व्हेन वी विल टेक द डिविजिबिलिटी ऑफ क्वाड्रेटिक बाय लीनियर ओके दिस इज पॉलिनोमियल ओके कुछ का डाउट हो गया कि 1/x ऊपर जाके माइनस हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं होने वाला ओके वी विल डिस्कस दिस। फिफ्थ वन एक्स टू द पावर हाफ है हाफ मीन्स अंडर रूट है अंडर रूट मीन्स लिटरल कोफिशियंट की पावर एग्जैक्ट इंटीग्रल नहीं है ओके सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल एक्स टू द पावर -2 जाएगा पॉलिनोमियल दिस इज पॉलिनोमियल एक्स टू द पावर जीरो है तो पॉलिनोमियल हो गया एक्स अपॉन टू पॉलिनोमियल है -2 -1 सो नॉट अ पॉलिनोमियल ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स हमको देखनी है मोनोमियल बाइनोमियल ये आपको होमवर्क है क्योंकि हमको सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स गिननी है। एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ ये सेकेंड पार्ट इन दिस पार्ट वी हैव पावर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड बट ऑल आर इन मल्टीप्लीकेशन सो अगर हम पावर की बात करेंगे तो 3, 2, 5 और 1, 6 होगा यानी कि दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ 6 डिग्री बट दिस इज अ मोनोमियल क्यों क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स के बीच में कहीं पे भी प्लस माइनस साइन नहीं है सो दिस इज अ मोनोमियल ओके बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल है ओके अरेंज द पॉलिनोमियल दिस इन डिक्रीजिंग डिग्री इन एक्स एक्स की डिक्रीजिंग डिग्री कहने तो सबसे पहले एक्स की हाइएस्ट पावर देखेंगे 4 आ रही है सबसे पहला टर्म ही होगा फिर 3 वाला होगा फिर एक्स स्क्वायर देन एक्स टू द पावर 0 दैट इज एक्स टू द पावर 0 इज दिस यहाँ पे एक्स टू द पावर 0 है इसीलिए एक्स की पावर 0 को हमने क्या लिखा 1 तो 3 × 1 वाई टू द पावर 4 सो 3/4 ओके डिग्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल ये आपका होमवर्क है। हाईएस्ट डिग्री पर हम बात करते हैं ओनली हाईएस्ट डिग्री मीन्स यहाँ पर डिग्री कितनी है 3 तो दिस इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल यहाँ पर डिग्री 1 लीनियर यहाँ पर डिग्री कितनी है हाईएस्ट 5 और यहाँ पर 0 ओके नेक्स्ट न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ये आपका होमवर्क है अगेन ओके नाउ गोइंग टू डिस्कस द 12B इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओके फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द एडिशन ओके फर्स्ट क्वेश्चन ओके एडिशन में हमको क्या करना है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट 2AB + 3B + 5AB+ तो 2AB + 5AB कितना हो गया 7AB एंड 3B + 7B 10 AB। सिमिलरली हम यहाँ पर क्वेश्चन में फोर्थ और फिफ्थ पार्ट ऐड करेंगे ओके इन दिस पार्ट वी हैव टू ऐड y³ - 3x² मैंने आपके सिंपलिसिटी के लिए क्या करा है सारी टर्म्स y³ के साथ y² के साथ y एंड माइनस एन की न्यूमेरिकल वैल्यू -8 + 1 ये 1y³ है तो -8 + 1 क्या हो गया -7y³ देन 2y² - 3y² यानी कि -y² देन वी हैव 7 - 5 दैट इज +2y देन 20 - 17 सो ये हमारा आंसर हो। सिमिलरली इसको करेंगे यहाँ पर हमको तीनों का ऐड करना है 4 + 1 = 5 - 3 दैट इज 2x² देन वी हैव 8 - 7 1 यानी कि 1xy xy - 2xy सो हमारे पास आएगा -xy देन वी हैव 9z + 18z दैट इज 17z। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्शन ओके सब्ट्रैक्शन के केस में हमको क्या करना है आपको नंबर टर्म्स दे रखी है यानी कि एक टर्म ये है हमारे पास और दूसरी टर्म सॉरी एक वैल्यू हमारे पास ये है दूसरी वैल्यू है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 3 है इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स 3 है हमको डायरेक्टली माइनस साइन दे रखा है तो ऐसे क्वेश्चन में तो हमारी कोई दिक्कत नहीं होती क्यों देखो फर्स्ट पार्ट में हमको करना क्या था 4AB - 5B - C में से हमको माइनस करना है 3B + 2B हमको यू हैव टू चेंज ऑल दिस साइन ये हमारा मेथड फर्स्ट है कैसे हमको करना है और मैं मेथड सेकंड भी आपको बता दूँ कैसे हमको सेकंड मेथड से यूज करके उसको फाइंड आउट करना है। इन दिस केस क्योंकि सबके आगे माइनस साइन लगा है तो हमने क्या करना है 4AB - 5B - C - 3A
माइनस, तो प्लस माइनस माइनस टू बी, देन माइनस माइनस प्लस प्लस सेवन सी. ओके नाउ वी कैन ऐड इजिली फोर माइनस थ्री, दैट इज ए माइनस फाइव बी माइनस टू माइनस सेवन बी माइनस सी सेवन माइनस वन सिक्स सी. ओके इन दिस केस वट वी हैव डन दैट इज माइनस साइन, बिकॉज माइनस साइन चेंज हो जाएगा. हमको सिर्फ सेकेंड वाली वैल्यू के, लेकिन सेकेंड वाली जो भी हमारे पास टर्म्स हैं उनके सबके साइन चेंज कर देना है, यानी कि प्लस का माइनस एंड माइनस का प्लस. ओके नाउ इजीली वी कैन सॉल्व फोर माइनस थ्री दैट इज ए, माइनस फाइव माइनस टू माइनस सेवन बी, एंड सेवन माइनस वन दैट इज प्लस सिक्स. ओके यू कैन यूज आइदर द मैथड नंबर वन और मैथड नंबर टू. ओके नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर सेकेंड थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में हमारे पास कुछ नंबर ऑफ टर्म्स का डिफरेंस है. डिफरेंस इन केस दैट इन थर्ड क्वेश्चन वी हैव, इन द फर्स्ट पार्ट वी हैव फाइव एक्स स्क्वायर, हमको माइनस करना है. क्वेश्चन देख लेते हैं, फोर एक्स वाई माइनस सिक्स प्लस वाई स्क्वायर फ्रॉम दिस, मतलब इसमें से इसको माइनस करना है फ्रॉम दिस. सो फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स वाई माइनस एट में से हमको माइनस करना है फोर एक्स वाई माइनस सिक्स प्लस वाई स्क्वायर. ओके इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है, तो हम इसको जीरो लेके चलेंगे. ओके जीरो प्लस और हेंस यर ऑल्सो जीरो. नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, सो माइनस प्लस का माइनस, माइनस का प्लस एंड प्लस का माइनस. वी हैव टू जस्ट चेंज द साइन. सो फाइव एक्स स्क्वायर माइनस जीरो फाइव एक्स स्क्वायर. ओके सिक्स माइनस फोर दैट इज टू एक्स वाई, देन माइनस एट प्लस सिक्स माइनस टू, देन जीरो माइनस वाई स्क्वायर दैट इज वाई स्क्वायर. सो दिस इज द आंसर. सिमिलरली ये हमारा मेथड नंबर सेकंड अगर आपको फॉलो करना है, जो भी आपको इजी लगे आप फॉलो करिए. फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स वाई माइनस एट माइनस फोर एक्स वाई प्लस सिक्स माइनस वाई स्क्वायर. ओके फाइव एक्स स्क्वायर ओके सिक्स एक्स वाई माइनस फोर एक्स वाई टू एक्स वाई. ओके माइनस एट प्लस सिक्स माइनस टू देन माइनस वाई स्क्वायर. ओके आंसर इज सेम. So either you can use method number 1 or method number 2 for solve this equation. Okay, now going to discuss the question number 5. Question number 4 and 5 are very important question. Okay, 4th aapko homework and 5th question I will discuss. Okay, subtract the sum of 4x cube plus 2x square minus a, and then isme ye add karna hai humko. फ्रॉम दी सम ऑफ दिस मीन्स हमको इन दोनों के सम से, बाद वाले के सम से फर्स्ट वाले के सम को माइनस करना है. ओके फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ऐड. ओके फोर एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब बिकॉज प्लस माइनस माइनस, सो थ्री एक्स क्यूब. टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर. फिफ्टीन एक्स कोई टर्म नहीं है तो फिफ्टीन एक्स को डायरेक्टली ऐड कर देंगे. ओके सो फिफ्टीन एक्स और माइनस फाइव हमारा यहाँ पर डायरेक्टली, क्योंकि इन दिस केस वी हैव टू एडिशन, वी हैव टू ऐड दीज टू टर्म्स. ओके नाउ इन दिस केस अगेन वी हैव टू ऐड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाईएस्ट पावर देखेंगे, माइनस फाइव एक्स क्यूब कोई टर्म नहीं है रिलेटेड टू दिस. एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा. फोर एक्स प्लस सिक्स एक्स दैट इज टेन एक्स. ओके माइनस वन नाइन, नाइन माइनस वन दैट इज एट. अब हमारे पास दो टर्म आ गए, फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकेंड वन इज दिस. नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट फर्स्ट वन फ्रॉम दिस सेकेंड वन. सो वी हैव टू, व्हाट वी हैव टू डू दैट इज फाइव एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स प्लस एट माइनस, दिस इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ओके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फिफ्टीन एक्स माइनस फाइव. ओके माइनस फाइव एक्स क्यूब माइनस थ्री सो माइनस एट एक्स क्यूब. माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस सो माइनस टू एक्स स्क्वायर. टेन एक्स माइनस फिफ्टीन एक्स दैट इज माइनस फाइव एक्स. ओके एट एट माइनस माइनस फाइव दैट इज थर्टीन. सो एट प्लस फाइव बिकॉज माइनस माइनस प्लस तो एट प्लस फाइव इज दैट इज थर्टीन. सो दिस इज आंसर. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके एज पर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर फोर एंड फाइव.